जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हनुमान जी को लेकर उनका जो जन्म स्थान है उसको लेकर जो है दो राज्य आपस में भिड़ गए हैं। और हमारे देश में ऐसा होता रहता है कि किसी भी बातों को लेकर कभी ना कभी या पानी को विवाद हो गया है, पहाड़ का विवाद हो गया, कभी भी किसी भी बात को लेकर दो राज्य आपस में भिड़े रहते हैं। जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट में दावा कर रहा होता है, कोई हाई कोर्ट में दावा कर रहा होता है कि इनका जन्म हमारे यहाँ पर हुआ था, उनका जन्म यहाँ पर। लेकिन जो हमारे वेद पुराण हैं उसमें जो है, तब जब हमारा भारत था तब उस समय जो है सिर्फ यही था कि यहाँ पर जन्म हुआ था, यह जैसे कि किष्किंधा पर्वत है यहाँ जन्म हुआ था, या कोई और पहाड़ है, या जो अजनेरी है वहाँ पर जन्म हुआ था। तो जैसे वेद पुराण में लिखा हुआ है उस समय तो सिर्फ ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि यहाँ पर जन्म हुआ था, लेकिन अब चीज़ें सब बदल चुकी हैं। बदल इससे देखिए चुकी हैं, अब सबको जो है राज्य में, ज़िले में सबका बंटवारा कर दिया गया है। जो राज्य जिसके ज़िले में आ रहा है वह अपनी अपनी जगह क्लेम करने में लगा हुआ है। बात सिर्फ दो राज्य की ही नहीं है, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगा ये 7-8 राज्यों में ही इसका दावा है। ऐसा नहीं है, हनुमान जी को जन्म को लेकर 8-8 राज्य ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि हनुमान जी का जन्म उनके राज्य में हुआ था। क्योंकि अगर हनुमान जी का जहाँ भी जन्म हुआ था, अगर उनको जो है उस चीज़ को जो है अगर क्लियरेंस मिल जाता है, तो आप सभी को पता है वहाँ पर फिर टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे, वहाँ पर फिर काफ़ी सारे टूरिस्ट आएंगे। तो ये बात मानने वाली है कि हमारे देश में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर विवाद है, लेकिन उसके बावजूद भी हनुमान जी सबके लिए जो है प्रमुख माने जाते हैं। तो यह भी है कि जिस राज्य में जो है यह चीज़ हो जाए क्लियर कि हनुमान जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। अभी हालांकि जो वेद पुराण है उसके बारे में आपको बताऊंगा वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या कहते हैं, और लोगों का जो दावा है, जैसे कि अलग अलग राज्य अपने अपने दावे करते हैं, उनका दावा क्यों है और कैसे वो लोग करते हैं कि हनुमान जी का जन्म हमारे यहाँ पर। तो वीडियो को आप पूरा देखना, मैं आपको पूरी कहानी बताऊँगा इस वीडियो के अंदर हनुमान जी के जन्म स्थान के बारे में, और कुछ और कहानी बताऊंगा जो हनुमान जी से जुड़े कुछ तथ्य होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और बने रहें। तो अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए बात करते हैं हनुमान जी के बारे में। जैसा कि आप सभी पता है, पवन पुत्र, वीर बजरंगबली, बजरंगबली, हनुमान जी, इनके कई सारे नाम हैं और इन सारे नामों के पीछे इनकी गाथाएँ हैं। पहले इनका जैसे बचपन का नाम मारुति था, पूरे देश में हनुमान का जैसे कि हर साल जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसी बीच में जो है जन्मोत्सव के बीच में ही कई सारे राज्य आपस में जो है भिड़ जाते हैं। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो दो राज्य आपस में भिड़े थे, जैसे कि आंध्र प्रदेश था और कर्नाटक था, ये दोनों राज्य, फिर कभी बीच में महाराष्ट्र भी आ जाता है। इन सारे के बीच में हमेशा विवाद आता रहता है। और यह भी बात मानने वाली है कि जहाँ जहाँ पर ये लोग विवाद कर रहे हैं उसके पीछे कई सारे राज्य हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कुछ मान्यताएँ हैं या वहाँ पर कुछ ऐसे मंदिर बने हुए हैं कई सौ साल पुराने या कई साल हज़ार पुराने मंदिर बने हुए हैं, कि लोग वहाँ के लोग भी इस सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज हैं कि आखिर में यह मंदिर इतने साल पहले यहाँ पर बनाया कैसे होगा। तो यह भी काफ़ी सोचने वाली बात है कि अब जहाँ भी बात की जाए, जैसे हनुमान जी की जब जयंती होती है, आप सभी को पता है पूरे देश में पूरे तरीके से धूमधाम से लोग मनाते हैं हनुमान जन्मोत्सव, लेकिन उसके साथ साथ ही कई राज्य अपना जो है घमासान मचा रहता है कि हमारे यहाँ जन्म हुआ था। जैसे कि हाल फिलहाल में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश दोनों ही दावा करते रहते हैं कि हनुमान जी का जन्म स्थान उनके दायरे में है। आंध्र प्रदेश भी में बात की जाए तो वहाँ पर एक तिरुमला नाम का जो पर्वत है वहाँ पर बात की जाती है, तिरुपति जो है देवास्थनम हनुमान जी का जन्म का दावा करता है। और वहीं पर जो है बात की जाए कर्नाटक में जो पहाड़ है किष्किंधा पर्वत है वहाँ पर उनके जन्म की बात की जाती है। वहाँ पर पहले से ही कर्नाटक सरकार ने जो है एक अंजनेय जन्म भूमि जो तीर्थ ट्रस्ट है उन्होंने पहले से बनाकर रखा हुआ है। तो यह भी काफ़ी सारी चीज़ सोचने वाली बात है। देखो, यह सारी चीज़ें न्यूज़ की बातें हैं कि जो कि यह सारी चीज़ें बना के रखी हुई। मैं यह सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हनुमान जी का जन्म असल में हुआ कहाँ था। देखो, जन्म तो हुआ था भारत देश में ही, अब यह कहाँ पर हुआ था इसके बीच में विवाद है, क्योंकि अब सब राज्य अलग अलग बढ़ चुके हैं और लोग इसी बीच के जो है हनुमान जी को जो है लेकर के कहाँ पर जन्म हुआ था इस बीच को लेकर आपस में लोग बहसबाजियाँ करते हैं और लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि आप हमें बताओ कि हनुमान जी का जन्म आखिर में हुआ कहाँ था। और कोर्ट भी किस चीज़ की बात मानेगा, कोर्ट बात मानता है सिर्फ जो वेद पुराण है उनकी बात मानेगा, और अभी भी यही होने वाला है। लेकिन हालाँकि जैसे कि कोई मंदिर बनाने वाला है कोई पहाड़ पर या कोई कुछ करने वाला होता है, तब अगर कोर्ट को इस बात को पता चलता है, अगर कोई कोर्ट में चुनौती दे देता है कि हनुमान जी का कोई जन्म स्थान के लिए जो है मंदिर बना रहा है बिना परमिशन का, अगर कोर्ट में आपने दे दिया तो वो जो है रुक जाती है, क्योंकि कोर्ट उस चीज़ को क्लियर नहीं कर रहा है। वही बात अभी है, जैसे कि यहाँ कुछ बातें हैं, जैसे कि क्या है मान्यता, जैसे कि यहाँ के लोगों की मान्यता है कि जैसे रामायण में जो है
जिस किष्किंधा नगरी का जिक्र किया गया है वह नासिक के पास में ही स्थित है। यहाँ के राजा सबसे पहले जो है बाली हुआ करते थे। आप सभी को पता है किष्किंधा के जो राजा थे वो बाली हुआ करते थे। जब बाली की मौत हो गई तो उसके राजा सुग्रीव हो गए, और सुग्रीव जब राजा हुए उसी किष्किंधा नगरी में हनुमान जी का जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। और वहाँ पर जो है सुग्रीव के जो हनुमान जी सहयोगी भी रहे हैं, और यह भी कहा जाता है कि जिस ऋषिमुख पर्वत की बात की जाती है वह भी वहीं पास में ही है। यही हनुमान जी ने जो है भगवान श्री राम को जो है सुग्रीव से मुलाकात करवाई थी। यह पर्वत जो है स्थित जो है अंजनी माता की एक मूर्ति है उस पहाड़ के पास में ही, जहाँ पर यह मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ भी यह जो बात की जा रही है किष्किंधा पर्वत और पहाड़ी के रास्ते में ही एक तालाब है, और ऐसी मान्यता है जो दाहिने पैर का आकार जो एक तालाब बना हुआ है वो जो है अभी भी ऐसी मान्यता है। हनुमान जी का जो पैर है उसके आकार का एक तालाब का जो है तालाब बना हुआ है वो हनुमान जी के पैर का आकार का है। कहा जाता है कि हनुमान जी ने यहीं से जो है सूर्य को निगलने के लिए जो है छलांग लगाई थी। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिली थी हनुमान जी। अभी जैसे कि आप दो राज्यों के देख रहे हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ 8 राज्य का नाम। तो यह भी काफ़ी सोचने वाली बात है। अभी क्या चल रहा है हाल फिलहाल में, क्या है कर्नाटक का दावा। कर्नाटक का दावा यह कहता है कि कर्नाटक का दावा कहता है हम्पी, आप सभी पता है कर्नाटक का एक जो है डिस्ट्रिक्ट है हम्पी, काफ़ी फेमस है हम्पी। वैसे भी जो है बौद्ध वहाँ पर जो है बौद्ध का काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है देखने को मिलती हैं, बहुत सारे पुराने किले भी आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। हम्पी से कहते हैं 25 किलोमीटर दूर एक अजनेड़ी गांव पड़ता है, वहाँ पर प्राचीन जो है किष्किंधा नगरी स्थित है। कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं जैसे कि तिरुमाला की पहाड़ियों में 7 पहाड़ियों में से एक हनुमान जी का जन्म माना जाता है। यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम जो है आंजनेय रखा गया है। आंजनेय जैसे कि आपको पता है हनुमान जी की माता का नाम आंजनेय था, तो वहाँ पर एक पहाड़ी है हम्पी में, उस पहाड़ का नाम जो है आंजनेय रखा गया है, और ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो वहाँ कर्नाटक सरकार के द्वारा जो है हनुमान जन्मभूमि त्रिष्ट जो तीर्थ क्षेत्र होता है वहाँ पर पहले से एक जो है एक ट्रस्ट बना दिया गया है। तो यह सारी चीज़ें देखने वाली है कि पहले से एक ट्रस्ट बना दिया गया है हनुमान जी के नाम का कि वहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसी तरीके से बात की जाए गोविंदानंद सरस्वती ने जो है आंध्र प्रदेश में हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर निर्माण के लेकर जो है हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, हालांकि कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगा दी थी। तो यह सारी चीज़ें हमेशा देखने को मिलती हैं कि हनुमान जी के जो जन्म को लेकर जो है कई सारी चीज़ों को जो है ये हमेशा जो है चीज़ें देखने को आती रहती हैं कि आपस में विवाद है लोगों का। बहुत सारे जो संतों का कहना है कि बहुत सारे जो संत हैं वह भी फिर दूसरे संतों के खिलाफ हो जाते हैं, जैसे इसी में हुआ, जैसे कि गोविंदानंद सरस्वती का कहना था अलग था, यहाँ पर है गोविंदानंद कुछ संत अलग हैं, वो कह रहे हैं गोविंदानंद जो संत हैं उनका जो है दावा गलत है। अजनेरी गांव के लोगों ने भी उनके दावे को खिलाफ प्रदर्शन किया है। वैसे केवल इन राज्यों में ही हनुमान जी के जन्म के दावा नहीं किया जाता है, बल्कि भारत के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर हनुमान जी के जो है जन्म के दावे किए जाते हैं। वहीं हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था इसके बारे में वेद पुराण की बात की जाए वो मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा जैसे कि झारखंड का गुमला हो गया, हरियाणा का कैथल हो गया, गुजरात का डांग हो गया, राजस्थान का सुजानगढ़ हो गया, उत्तराखंड का देहरादून भी शामिल है। इस तरीके से ऐसे कई सारे राज्य आपको देखने को मिलेंगे जहां पर हनुमान जी का जन्म के बारे में बताया गया है। अब हनुमान जी का जन्म कहां हुआ था जो हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है उसके बारे में जानते हैं। हनुमान जी का जो जन्म है मुख्यतः वह जैसे कि आपको पूरी कहानी बताता हूँ कैसे है। हनुमान जी का जैसा आप सब पता है हनुमान नाम का जो अर्थ होता है जो संस्कृत में हनुमान आंजनेय और मारुति, यह सारी चीज़ें ये हैं कि परमेश्वर की शक्ति वही है सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं में, जैसे कि हमारी भारतीय महाकाव्य रामायण सबसे महत्वपूर्ण जो पात्रों में से एक प्रधान माना जाता है, वहीं भगवान शिव जी के सभी अवतारों में से सबसे बलवान और सबसे बुद्धिमान माने जाने वाले भगवान हनुमान ही हैं। हमारा जो रामायण है उसके अनुसार जो वह जानकी के अत्यधिक प्रिय थे, इस धरा पर इस धरती पर जिन 7 मनीषियों का अमरत्व का वरदान प्राप्त था, जिनमें बजरंगबली भी थे। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ था। हनुमान जी के लिए जो पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं, इन्होंने जो है जिस तरह से भगवान राम और साथ में सुग्रीव की मैत्री करवाई और फिर उसके बाद वानरों की मदद से जो है असुरों को जो है वध किया, और या फिर भगवान राम को जो है
लंका ले गए और वहाँ पर उन्होंने जो है रावण के जो है रावण के विरुद्ध जिस तरीके से लड़ाई करी, और बाद में जो है भगवान श्री राम युद्ध भी जीत जाते हैं। तो यह सारी चीज़ें देखने वाली बातें की बात की जाए, जो ज्योतिष हैं हमारे देश में या फिर जो वेद पुराण है उसके अनुसार अगर बात की जाए, सटीक गणना ये लगाई जाती है हनुमान जी का जो जन्म हुआ था वह 58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण के जो है चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र होता है उस दिन जो है मेष लग्न के योग सुबह 6:03 पे भारत देश के जो है झारखंड राज्य के गुमला जिले के आजन नाम के गांव में एक पहाड़ी की गुफा में हुआ था। वो जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये यही गुफा है जो मैं आपको बता रहा था। जैसे हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है, ज्योतिष भी यह चीज़ बताते हैं कि झारखंड वो स्थान है जहाँ पर जो है हनुमान जी का मुख्यतः जन्म हुआ था, लेकिन अब इसको लेकर काफ़ी सारे विवाद हैं। हनुमान जी को आप सभी को पता है जिन्हें जो है बजरंगबली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनका जो शरीर जब ये पैदा हुए थे इनका शरीर जो है वज्र था। वज्र मतलब कि इतने ताकतवर बलशैली, इसीलिए जो है इन्हें जो है बजरंगबली के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इनको जो है पवन पुत्र के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि हवा में उड़ सकते थे, इसीलिए इन्हें पवन पुत्र के नाम से जाना जाता है। हवा के देवता हनुमान को पालने की जो है पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इसीलिए जो है जब ये छोटे बालक थे तभी ये जो है उड़ते हुए चले गए और जो है सूरज को निगलने की कोशिश भी की और निगल भी लिया। तो यह भी एक था कि जो पवन पुत्र थे इनके अंदर वह सारी चीज़ें जब से ये पैदा हुए थे जब से इनके अंदर वो सारी चीज़ें थी, या जो है किसी भी चीज़ को जो करना चाहते थे वह कर सकते थे, क्योंकि यह ऐसा तो है नहीं इनका जो जन्म ऐसे ही हो गया था, इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। भगवान विष्णु ने भगवान राम का अवतार लिया, लेकिन उससे पहले यह चीज़ जो है भगवान भोलेनाथ के पास यह चीज़ पहले पहुंच चुकी थी कि आप जो है हनुमान जी के रूप में आप आओगे जो है मेरे को, आप जो है भगवान राम के जब मैं रूप में रहूँगा तब आप मेरे साथ मिलने के लिए आओगे या किस तरीके से आओगे। तो वह सारी चीज़ें पहले हुआ फिक्स थी कि जो है हनुमान जी जो है भगवान भोलेनाथ के रूप में जो है दर्शन या फिर जो है भगवान विष्णु हैं उनका जो है साथ देने के लिए वो पैदा होंगे ही। तो इसी तरीके से आप देख से पहले एक किला देखिए, ये माता अंजनी है जो कि भगवान हनुमान को जो है कुछ खिला रहे हैं। तो यह सारी चीज़ें देखने वाली बात ही यही इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बात की जाए रामायण की जो पांचवी जो कांड होता है आप सभी को पता है सुंदरकांड में हनुमान जी पर केंद्रित है, पूरा सुंदरकांड जो है हनुमान जी के लिए लिखा हुआ है, या फिर जैसे आप सभी को पता है मंगलवार को मुख्यतः सुंदरकांड हर मंदिर में किया जाता है। असुरराज रावण जो कि सीता का अपहरण करके ले गए थे उसके जो है उसके बाद जो है 14 साल के वनवास के आखिरी साल में हनुमान जी राम से मिलते हैं और अपने भाई लक्ष्मण के साथ, और अपनी राम भगवान जो हैं अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे होते हैं। यह संबंधित जो कथाएं हैं हनुमान के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें व्यापक कहानियां बताती हैं। तो रामायण के बारे में अन्य संस्करण की बात की जाए उसके भीतर जो मौजूद है जैसे कि सुंदरकांड है, यहाँ पर हनुमान जी राम सीता लक्ष्मण और रावण का रूपांतरण साफ साफ देखने को मिलता है। तो हनुमान जी उस समय प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थे जैसा कि लिखा हुआ है। इसी तरीके से बात की जाए महाभारत की, बाकी वीडियो में देख सकते हैं अंजनागिरी तीर्थस्थल, इस तरीके से काफ़ी सारी जगह आपको देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर हनुमान जी का जन्म होगा। काफ़ी सारी पहाड़ों पर आप चले जाओगे घूमने के लिए वहाँ पर देखने को, लेकिन अभी तक यह चीज़ जो है कोर्ट ने कहीं भी अगर कोई भी निर्माण करने की सोचता है कि हनुमान जी का जन्म हमारे यहाँ पर हुआ था और हम हनुमान जी के जन्मस्थली को लेकर हम कोई मंदिर बनाने वाले हैं, अगर कोई दूसरा राज्य उसके खिलाफ कुछ भी कर देता है केस कर देता है तो वह तुरंत निर्माण रोक देता है कोर्ट, और उसके बाद उस केस पे कुछ भी नहीं होता है आगे, वो केस बढ़ता ही नहीं है, वह वहीं पर रुक जाता है क्योंकि आगे करने का, क्योंकि उसके लिए फिर साक्ष्य चाहिए, फिर उसके लिए फिर आप सभी को पता है फिर पूरी की पूरी जो है टीम लगानी पड़ेगी, उसको जाँच करो, उसके बाद फिर जाकर कहीं ना कहीं फिर उससे बाद कोई दूसरा राज्य जाकर क्लेम कर देगा नहीं मेरे यहाँ जन्म हुआ था, फिर यही चीज़ चलती है। इसलिए जो है ऐसा होता है कि जैसे भी यह सारी चीज़ें होती हैं तो जो है तुरंत रोक लगा देते हैं बस। महाभारत में भी ऐसी एक कथा आती है जैसे आप सभी को पता है जिसमें हनुमान जी का संक्षेप उल्लेख मिलता है, हनुमान जी के जो है कुछ अध्याय हैं महाभारत के वाना पर्व, उन्हें जो है भीमसेन के सौतेले पुत्र बड़े भाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आप सभी को पता है भीम जो है घूम रहे होते हैं, भीम काफ़ी बलशाली होते हैं, लेकिन जो वो जो है जंगल में घूम रहे होते हैं तब जो है हनुमान जी जो है उस समय कैलाश पर्वत की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में जो है हनुमान जी उनको जो है पूंछ हटा के जो है एक बंदर लेटा हुआ होता है उसको हटाने की कोशिश करते हैं, तो जो है हटता नहीं है
तो जो है वह देखते इतने बलशाली हैं, फिर दोनों के बीच में आपस में बहसबाजी होती है, आप सभी को पता है। बाद में उनको हार स्वीकार करना पड़ता है, तब जो है हनुमान जी अपने रूप में आते हैं, उनको सारी चीज़ बताते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तब यह भी देखने वाली बात है कि जो है उनके बीच में यह भी था कि जो महाभारत हुआ था वहाँ भी हनुमान जी मौजूद थे। ऐसी कई सारी चीज़ें हनुमान जी के बारे में देखने को मिलती हैं। हनुमान जी थे, अभी भी जैसे कि बात कही जाती है कि जैसे कि कैलाश मानसरोवर, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के रूप ही हनुमान जी माने जाते हैं, तो हनुमान जी जो है अभी कहाँ पर विराजमान है, अभी बात की जाए तो कैलाश मानसरोवर के अगर आप उत्तर दिशा में देखेंगे तो एक जो है गंधमादन नाम का पर्वत है, वह पर्वत ऐसी मान्यता है जैसे पर्वत आप देख रहे हैं ऐसे कुछ देखने को मिलता है, और वह पर्वत जो है हनुमान जी के बिल्कुल रूप का दिखाई देता है। गंधमादन पर्वत इसलिए क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है भगवान भोलेनाथ का जो रूप था, जैसे कि भगवान राम कि जैसे कि युद्ध समाप्त हो जाता है रावण को मारने के बाद, जो है भगवान राम जो है पूरी फैमिली के समेत जो है अपने घर पे आते हैं और राज्य करने लगते हैं, लेकिन इधर जो है हनुमान जी का क्या काम था। अब हनुमान जी जो है भगवान राम के जो है धुन में मगन थे, लेकिन हनुमान जी का रोल तो जो है हनुमान जी जो रूप लेकर आए थे, जिस रूप को लेकर आए थे वह तो पूरा हो चुका था, लेकिन अब वह शारीरिक रूप में आए हुए थे या एक बंदर के रूप में आए हुए थे कह सकते हैं, तो उनको जो है अपने शरीर को किसी न किसी तरीके से शांत करना था या समाप्त होना ही था, क्योंकि जब तक कोई भी अगर जानवर के रूप में आएगा या फिर मानव रूप में आएगा तो उसको मरना तो है ही। तो उसी तरीके से जैसे भगवान भोलेनाथ के रूप में हनुमान जी आए हुए थे तो उनके भी शरीर का जो है समापन तो होना तय था, तो वह किस तरीके से होना था। उसके बाद जैसे कि वो चले गए फिर जंगल में जाकर रहने लगे और धीरे धीरे वो बूढ़े होते गए। तो जैसे जैसे आप बात कही है, जैसे महाभारत आया था, महाभारत समय जो है हनुमान जी बिल्कुल एक बूढ़े के रूप में देखने को मिलते हैं, उनका जो है बाल वगैरह बिल्कुल सफ़ेद हो चुका होता है, काफ़ी बूढ़े के रूप, क्योंकि वह उस समय जो है कैलाश पर्वत की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि जो भगवान भोलेनाथ हैं उनको पहले ही बुला लेते हैं, कहते हैं देखो अब आपका शरीर जो है साथ नहीं दे रहा है तो कहीं बैठने से अच्छा है कि आप आकर हमारे सामने हो, क्योंकि उन्हीं के रूप हैं, तो ऐसी जगह बैठाने उनको चाह रहे थे कि जो है बिल्कुल सामने सामने रहें। तो जो है वही जैसे कि वो महाभारत का युद्ध चल रहा होता है इस साइड, और उसके बाद जो है और उधर जो है भीम मिलते हैं हनुमान जी से, तो हनुमान जी जो है थक कर जो है आराम कर रहे होते हैं, वह जो है अपना जो है कैलाश मानसरोवर की तरफ ही जा रहे होते हैं, और उसके बाद आप सभी पता है उसके बाद हनुमान जी का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है, क्योंकि हनुमान जी उसके बाद जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपने जो है जहाँ कैलाश मानसरोवर पर्वत होता है वहाँ पहुँचते हैं, और भगवान भोलेनाथ के जो है आशीर्वाद लेकर वह अपने शरीर को जो है जो गंधमादन नाम का पहाड़ है उसके ऊपर वह विराजमान हो जाते हैं, और सामने जो है एक साइड जो है भगवान भोलेनाथ और दूसरी साइड जो है गंधमादन पहाड़ पर जो है भगवान जो है हनुमान जी उस पर विराजमान हो जाते हैं, और उसी पर बैठे बैठे जो है अपने शरीर का जो है त्याग कर देते हैं। त्याग क्या कर देते हैं, वो जो है भगवान भोलेनाथ के अंदर ही समाहित हो जाते हैं। तो यह थी जैसे कि हनुमान जी के जन्म के कुल लेकर पूरी कहानी। अब इसके बारे में जो विवाद है इसके बारे में अभी तक कुछ सुलझा नहीं पाया कोई भी, लेकिन हाँ यह तो है भारत में ही जन्म हुआ है, लेकिन हाँ अब हर जगह के अलग अलग अपने अपने जो भी राज्य हैं वह अपने अपने दावे करते हैं, वहाँ पर जैसी जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और यह भी काफ़ी रोचक का विषय है कि हर जगह जहाँ भी यह सारी चीज़ें मिलती हैं हनुमान जी का जन्म यहाँ पर कैसे हुआ था, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी छूटी हुई हैं, वहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप किसी भी राज्य में चले जाओ अगर वहाँ पर यह है कि हनुमान जी के यहाँ जन्म हुआ था, तो आप किसी भी ऐसे पहाड़ पर चले जाओगे जहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी आपको देखने मिले जो आप सोचकर हैरान हो जाओगे यह चीज़ कैसे हुई होगी। तो यह चीज़ सोचने वाली है कि अगर हर राज्य में ऐसी ऐसी चीज़ें छूटी हुई हैं तो हनुमान जी का जन्म आखिर में हुआ कहाँ होगा, किसकिंधा है या अजमेरी है, झारखंड है या हरियाणा है, या कहाँ पे हुआ था, यह भी सोचे गुजरात का है, राजस्थान का है, तो काफ़ी सोचने वाली विवाद है, बाकी विवाद तो होते ही रहते हैं। जय हनुमान जी, जय श्री राम।